मॉर्निंग, राधे राधे, राधे कृष्ण की जय। आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ। अभी उठी हूँ जस्ट मैं, तो फिर मैं एकदम से उठ गई। मैं सोची कि चलो वो बनाती हूँ, मैं क्या बोलते हैं, पकौड़े बनाती हूँ। बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैं सोचा मन करता है ना इसलिए। तो फिर मेरे हस्बैंड भी 4-5 दिन पहले ही बनाए थे हमने, पर आज फिर से मन कर रहा है, तो हम आज फिर से बनाऊँगी मैं पकौड़े। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ पकौड़े, और साथ में चाय भी बनाऊँगी, चाय भी दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ मैं बस। और मेरे हस्बैंड अभी बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं कि नहीं खाने हैं मेरे को नहीं। जब बनते हैं तो खाने के लिए बैठ जाते हैं, फिर मना वो भाग गया कहीं पे। फिर अभी खाएंगे तो फिर बोलते हैं, देखते कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे पकौड़े बनाती हूँ। और अभी मेरी लास्ट नाइट है आज, तो मैं अपनी नाइट ड्यूटी पे जाऊंगी। तो अभी कल मेरा ऑफ है, तो कल मेरे को बहुत काम है, घर की साफ़ सफाई है, कपड़े धोने हैं, सारा घर क्लीन करना है पूरा अच्छे से, क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बारिश से बालकनी पूरा गीला पड़ा है, तो गीले की वजह से मक्खियाँ अंदर आती हैं, तो मॉस्किटो भी ज़्यादा हो जाएगा। पर एक घर पूरा गंदा हो जाएगा ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो अभी कल क्लीन करूँगी मैं घर सब कुछ, फिर मैं आपको बताती हूँ कल मैं फिर से मिलूँगी आपके साथ। और आज तो मैं जस्ट पकौड़े बना रही हूँ, तो आपको बताती हूँ कैसे बनते हैं पकौड़े। चलो पकौड़े बनाने के लिए चलते हैं, चलिए। मैं अभी स्टार्ट किया है, बताती हूँ आपको कैसे बनाती हूँ मैं। जस्ट मैंने आलू काटे हैं और प्याज काटे हैं, उसमें क्या क्या डालती हूँ तो मैं बताती हूँ आपको। ये देखो आलू और प्याज ले लिए मैंने, ठीक है। अभी इसमें मसाले डालूंगी मैं, तो मैं अभी बताती हूँ मैं फर्स्ट क्या डालती हूँ। मैंने लिया है अजवाइन, अजवाइन तो बहुत अच्छी रहती है, ताकि पकौड़े भी बच जाए तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने 1 टेबल स्पून अजवाइन लिया है, हाफ और डाला है, ठीक है। तो ये हो गया, उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा नमक, नमक तो चाहिए चाहिए रहता है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। और मैं डालूंगी उसके बाद फिर अपना रेड चिली पाउडर, तो ये रेड चिली पाउडर मैं कम नहीं डालती, क्योंकि हम ज़्यादा कम नहीं खाते हैं, 1 टेबल स्पून, ठीक है। तो ये हो गया रेड चिली पाउडर, ये एक क्या बोलते हैं ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर डालूंगी मैं, थोड़ा सा ही डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है, भले भी लगता है कई बार खांसी आ जाती है। उसके बाद मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा डालूंगी, जबकि थोड़ा सा उसमें वो रंग लाने के लिए, ठीक है। फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा जो अपना ही रहता है ना किचन मसाला, थोड़ा सा वो डालूंगी, ये अपना किचन मसाला रहता है ना, वो डालती हूँ मैं थोड़ा सा। बस इतने सारे इंग्रेडिएंट तो हो गया, थोड़ा सा मैं अपना ये चाट मसाला रहता है ना, चाट मसाला भी डाल देती हूँ। चाट मसाले से भी थोड़ा ऐसा होता है कि फ्लेवर जो रहता है ना, फ्लेवर टेस्ट जो रहता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। शादी से पहले भी मैं ऐसे करती थी, कभी भी बारिश होएगी ना तो मेरा मन करेगा पकौड़े बनाने के लिए, तो मैं पकौड़े बनाने के लिए स्टार्ट हो जाती थी। तो मेरा भाई है, उसका नाम विशाल है, वैसे तो हम घर पे उसको आंकू ही बोलते हैं, तो वो बोलता था कि पकौड़े बनाने से, पकौड़े बनाने से, फिर मैं बनाती थी और हम खाते थे, बड़े अच्छे से खाते थे। तो फिर अभी मैं इसमें एक और चीज़ डालूंगी, बेसन डालती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मेरे सारे इंग्रेडिएंट पूरे फाइनल हो गए हैं, उसके बाद मैं पानी डालूंगी, फिर मिक्स करूंगी इसको, ठीक है। देखो मैंने बेसन लगा लिया है, अभी डाल लिया है इसमें, तो अभी मैं इसको मिक्स करूंगी, तो फिर बताती हूँ आपको। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक मैं ऐसा करती हूँ कि मैं फ्राई पैन लेती हूँ और फ्राई पैन के अंदर तेल डालती हूँ रिफाइंड, और इसको गर्म करने के लिए रख देती हूँ, ठीक है। तो मैं करती हूँ, जैसे ही मैंने फ्राई पैन ले लिया है, मैं ये गैस ऐसे रखती हूँ, फिर मैं फ्राई पैन लूँगी, ठीक है। रिफाइंड तो इधर ही रहता है मेरा, ठीक है। तो मैं बताती हूँ, मैंने रिफाइंड अभी गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है। तो ये गर्म हो जाएगा, तब तक मैं इसको मिक्स वेल कर लेती हूँ, ठीक है। मैं मिक्स कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। तो मैं अभी इसको मिक्स करने लगी हूँ, तो ठीक है, देखते हैं। मैंने ये कर लिया है, मिक्स कर लिया है, और इसमें बेसन के साथ पानी के साथ मिक्स पूरा कर लिया है। तो मैं अभी इसके लिए रेडी हूँ बनाने के लिए। फर्स्ट
मैं क्या करूँगी, इससे पहले आपको बताऊँगी कि मैं चाय कैसे बनाती हूँ। तो मैं फर्स्ट चाय बनाती हूँ, ठीक है। क्या करती हूँ कि पहले थोड़ा सा पानी लेती हूँ और पानी को गर्म करने के लिए रखती हूँ। जब उसमें बॉयल नहीं हो जाता पानी, तब तक मैं कुछ नहीं डालती हूँ, ठीक है। पहले बॉयल होने देती हूँ पानी को, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा चाय पत्ती डालती हूँ, थोड़ा दो इलायची डालती हूँ, मतलब वो करके मैश करके, और फिर उसके बाद मैं चीनी डालती हूँ, ठीक है। ये पूरा मैं होने देती हूँ 5 मिनट के लिए, मैं ऐसे ही रखती हूँ विदाउट मिल्क। तो मैं थोड़ा सा होने देती हूँ उसको, ताकि वो गड़ जाए पानी वगैरह, और जो चाय पत्ती है और जो अपना इलायची रहता है वो उसमें मिक्स हो जाए, और उसका जो फ्लेवर आता है ना उसके बाद, वो फ्लेवर बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो फिर मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं मिल्क डालती हूँ, फिर मिल्क के बाद मैं 5 या 10 मिनट के लिए उसको गड़ने के लिए रखती हूँ, ताकि वो गड़ जाए, उसमें मिल्क की स्मेल ना आए, कुछ भी ना आए, ठीक है। तो इसलिए मेरी चाय ऐसी बनती है। तो मैं अभी पानी को बॉयल करने के लिए रखा है, तो मैं अभी इसमें डालती हूँ। अगर मैं, कई बार होता है कि मेरी मम्मी जो रहती है ना, वो बहुत कुछ डालती है, तो मैं इतना ज़्यादा नहीं डालती हूँ। वो तो मसाले वगैरह खुद का बनाते हैं, चाय वाला मसाला भी, तो वो भी खुद, मतलब वो सब कुछ खुद, इतने ज़्यादा मसाले डाल के ही उनको चाय अच्छी लगती है। तो मैं अजवाइन ना थोड़ा सा लूँगी, ताकि क्योंकि पकौड़े खा रहे हैं तो अजवाइन बहुत ज़रूरी है, ताकि गैस्ट्रिक ना हो। मेरे हस्बैंड को बहुत गैस्ट्रिक होती है, एक टाइम भी अगर खाना नहीं खाए ना तो मेरे हस्बैंड को गैस्ट्रिक हो जाती है। गैस्ट्रिक इधर नेक में चली जाती है, सर पे चढ़ी जाती है, बहुत बुरे हाल होते हैं इनके। तो फिर जब तक इनकी वॉमिटिंग वगैरह नहीं होती है, तब तक कुछ नहीं होता, फिर तब तक इनका तो फिर बुरे हाल हो जाते हैं। तो इनको, मेरे को दिखाना है किसी डॉक्टर के पास, क्योंकि एक्चुअली ये प्रॉब्लम अच्छी नहीं है, वो गैस्ट्रिक सर पे चढ़ना ये सब कुछ। तो मैं चाय पत्ती डालती हूँ 2 टेबल स्पून, ठीक है। अपने अपने जितने मेंबर हैं उतने मेंबर के अकॉर्डिंग आप चाय पत्ती डालो चाय में, तो वो आपको अंदाजा हो जाएगा, आइडिया रहेगा, ठीक है। तो मैंने ये चाय पत्ती डाल ली है। उसके बाद मैं डालूँगी चीनी, डालूँगी चीनी तो कम ही डाला करो, क्योंकि चीनी बीमारियों का घर है, शुगर, ऊपर से वेट गेन, मेरा तो है ही है, पर मैंने बहुत कम चीनी की है। तो मैं अभी 3 ही टेबल स्पून डालूँगी इसमें, ठीक है। उसके बाद बस ये कटने के लिए रख दूँगी मैं 5 मिनट के लिए, तो अभी कट जाएगी वो, फिर उसके बाद मैं मिल्क डाल दूंगी इस पर, ठीक है। तो जस्ट अभी कढ़ रही है, तो मैं इसको सिम पे रख देती हूँ, तब तक ऑयल मेरा गर्म हो रहा है और ये मेरा पेस्ट बन गया है, ठीक है। तो मैं ये पेस्ट को थोड़ा सा हिला लेती हूँ, क्योंकि ये मिक्स भी होना चाहिए अच्छे से। तो मैंने अभी, मेरे पास गोभी नहीं है, वरना मैं गोभी भी डालती हूँ। पिछली बार मैंने पकौड़े बनाए थे, तो मैंने गोभी के बनाए थे पकौड़े, तो गोभी मैंने रात को ही बना ली थी फ्लावर, क्योंकि वो आजकल ना टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, टमाटो, तो मैं क्या कर रही हूँ, तो जब से महंगे हुए हैं 160-120 हो गए हैं, तो मैं तब से टमाटर ही नहीं डालती हर सब्जी में। पर आप मान नहीं सकते, मैं लिटरली ये बोल के दे देती हूँ, आप विदाउट टमाटर सब्जी बनाओगे ना, ओ माई गॉड, क्या टेस्ट, क्या फ्लेवर आता है उसका, बहुत अच्छी सब्जी बनती है विदाउट टमाटर बनाएंगे तो। और वैसे भी ठीक है, चलो टमाटर भी खाना चाहिए, एक आधे दिन में एक टमाटर तो खाना चाहिए, तो फिर भी बहुत कॉस्टली है, तो मैं नहीं लेके आती हूँ मार्केट से टमाटर, तो मैं विदाउट टमाटर ही सब्जी बना रही हूँ। मेरे को लगता है मेरे को 1 मंथ हो गया है बनाते हुए, तो बहुत अच्छी बन रही है, दाल भी अच्छी बन रही है, सब्जियाँ भी, सूखी सब्जी भी अच्छी बन रही है, सब अच्छा बन रहा है विदाउट टमाटर। तो आप भी देखो ट्राई करके विदाउट टमाटर सब्जी बनाने के लिए, और इनको जो हाई रेट है उनको बाय बाय करो। बस यही है। तो अभी सब्जियां भी बहुत महंगी हो रही, क्योंकि बरसातें हैं ना, बरसातों में सब्जियां बहुत महंगी हो जाती है, तो बरसातें जब ख़त्म हो जाएंगी ना, तो सब्जियां का रेट बिल्कुल डाउन हो जाएगा, फिर सब चीज़ लेने के लिए मन करेगा। पर मैं फिर भी देखूँगी टमाटर डालना है कि नहीं डालना है। तो अभी तो जस्ट चाय कट रही है, तेल गर्म हो रहा है, इसलिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस यही रहता है, आज मेरा एकदम से नींद खुली है, तो मैं सोची मैं कि चलो एक उनके, अपनी फैमिली, यूट्यूब फैमिली के लिए एक ब्लॉग बना देती थोड़ा सा मैं। और तो अभी मैं जस्ट ये, मैं कह चलो ठीक है, मेरा एक एक्चुअली बारिश भी बहुत हो रही थी, तो मन भी कर रहा था पकौड़े बनाने के, इसलिए मैंने सोचा मैं कि चलो पकौड़े बनाती हूँ, और मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करती हूँ कि मैं चाय और पकौड़े कैसे बनाती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी रखा है दोनों चीज़ साइड बाय साइड, दोनों गैसों पर रख दो, क्योंकि अगर आप पकौड़े बनाने में बिजी रहेंगे तो चाय बाद में, तो वो उसके लिए टाइम वेस्टेज होएगा। तो इसलिए टाइम को मैनेज करना सीख लो, तो आपका सब काम A to Z हो जाएगा चुटकियों में। एक्चुअली मेरा तो ऐसा है कि मेरा फंडा ऐसा है, मैं अपना काम पूरा करके ही
अगला काम करती हूँ, जब तक मैं पिछला काम पूरा नहीं कर देती तब तक मैं नेक्स्ट पे नहीं जाती हूँ। तो मेरे को और फास्ट करने का काम बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे में ऐसी है कि मैं फास्ट करना चाहती हूँ काम, और टचवुड मेरे साथ भगवान है, गॉड है, कि वो काम अच्छे से भी होता है और मेरे साथ फास्ट भी होता है। कईयों के साथ ऐसा होता है कि फास्ट होता है काम पर वो अच्छे से नहीं होता है, तो इसलिए गॉड ऑलवेज विद मी, वो तो है ही है, सबके साथ है, सबके समझ के भी लेते हैं वो, ठीक है। तो भगवान को हमेशा साथ रखो, हमेशा सबसे आगे रखो, तो तभी आप अच्छे से मुकाम तक पहुंच सकते हैं, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि भगवान तो भगवान है भाई, और कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि अभी तो कलयुग चालू है, तो बस अभी अभी तो चलो बहुत ईयर्स बाकी है, बहुत ईयर्स बाकी है जो कलगी में आने वाला है। तो अभी तो फिलहाल मैं बोल रही हूँ कि सब पूरी दुनिया भगवान के चरणों में लग जाओ, ठीक है। जो कलगी में कलयुग में होने वाला है ना, वो आपको आइडिया तक भी नहीं है, ठीक है। बहुत बुरे हाल होने वाले, बहुत इंसान इंसान को खाने वाला है, इतने तक का आ जाएगा। इसलिए भगवान को हमेशा प्रणाम करो, हमेशा साथ में रखो, हमेशा आगे रखो। और मैं एक बात और चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिस भी आप कौन से भी भगवान को मानते हो, प्लीज़ हार्डली उनके लिए थोड़ा सा टाइम निकालो, ज़्यादा नहीं निकालें। आई नो, मेरे को पता है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं इसलिए आप टाइम नहीं निकाल सकते, पर फिर भी लिटरली एक 5 मिनट्स निकालो, ठीक है, भगवान के लिए, और उनके साथ मतलब भजन पे करो, भजन करो, कीर्तन करो, कुछ भी करो, मतलब पर हार्डली 5 मिनट 10 मिनट तो निकालो भगवान के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो सुबह अगर बाई चांस अगर सुबह घर पे हूँ तो मैं खाना बनाते बनाते भजन लगा लेती हूँ टीवी पे। घर में ये सुख शांति होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। भजन चलने चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि घर में अपने भगवान का वास रहता है। घर को हमेशा क्लीन रखो, क्लीन रहेगा तो लक्ष्मी माता भी आएगी, ठीक है, और सरस्वती माता भी आएगी, सब आएंगे, सब भगवान आएंगे। जो साफ घर रहता है वहाँ पे ज़रूर आते हैं, पक्का आएंगे। दिल साफ रखो हमेशा, ठीक है, दिल में गंदगी मत रखो। जो है वो किसी को अगर लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा वो हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट बोल दो उसको, अपने घर का मेंबर ही है, वो समझेगा आपको, क्यों नहीं समझेगा, ठीक है, वही समझने के लिए है ना, कोई तीसरा आदमी तो नहीं समझेगा। तो ऐसा कुछ भी लगे तो बोल दो सब कुछ, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि मैं बहुत पका रही हूँ, बहुत लेक्चर दे रही हूँ, साइड बाय साइड मेरा ऑयल भी गर्म हो रहा है, मेरा चाय भी कड़ रहा है तो मैं अभी मेरा ऑयल गर्म हो गया है तो मैं स्टार्ट करती हूँ पकौड़े बनाना। तो मैं हाथ से नहीं बनाती हूँ, पहले बनाती थी मैं हाथ से, अभी मैं स्पून से ही बनाती हूँ। तो मैंने एक स्पून लिया है, तो मैं स्पून से ऐसे करके डालूँगी उसमें, ठीक है, तो बन जाएगी तो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं लेक्चर बहुत देती हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना या बोर मत होना, ठीक है। तो मेरा जो लेक्चर रहता है ना, वो एक सीख देता है हर किसी को, चलो ठीक है, बाकी भी सब सीख देते हैं, पर मैं भी थोड़ा देती हूँ क्योंकि मेरे से रुका नहीं जाता, पेट में गुड़ गुड़ हो जाता है फिर मेरे को देना ही पड़ता है, वो निकालना ही पड़ता है अपने मन से। और एक चीज़ और है, मेरे को ना बोलने का पता नहीं लगता है क्योंकि मैं क्या बोल देती हूँ। अगर कोई बाय मिस्टेक मेरे से कुछ ऐसा निकल जाए मुँह से, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के है मेरे को माफ़ कर देना, पर ऐसा मत करना कि अनसब्सक्राइब कर देना मेरे को फिर, ठीक है, तो ऐसा करो प्लीज़। तो मैं मुँह फटी हूँ, कुछ भी बोल देती हूँ, ऐसा है। तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ, ऑयल गर्म हो रहा है, जल जाएगा वो और ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ, आपको बताती हूँ मैं बनाती कैसे हूँ। बना तो क्या, ऐसे डाल देना है बस, बन गया है। फ्लेवर भी लाना एक बहुत ज़रूरी बात है, कच्चे नहीं रखना है, पके होने चाहिए, ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। तो अभी मैं पकौड़े बन गए हैं मेरे, और चाय भी बन गया, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो मेरे पकौड़े देखो, और ये मेरी चाय देखो, ठीक है, और ये मेरे हस्बैंड हाय बोलो ये ज़्यादा नहीं आते हैं, तो ये पकोड़े हैं। आ जाओ सब, आ जाओ YouTube फैमिली, सब आ जाओ पकोड़े खाने के लिए, चाय पीने के लिए आ जाओ। और बाहर में बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा अभी मैं पकोड़े खाती हूँ और मज़े लेती हूँ, और आप भी आ जाओ, आप भी मज़े ले लो मेरे साथ आके पकोड़े खा के। तो मैं आज का व्लॉग इधर ही एंड करती हूँ, और मैंने आज पकौड़े बनाए थे तो मैंने आपको दिखाया मैं कैसे कैसे बनाती हूँ। एक बार बनाओ, आप अपनी भी रेसिपी यूज़ करो और मेरी भी एक बार देखो, बहुत टेस्टी पकौड़े बने हैं, ठीक है। तो अभी मैं व्लॉग इधर ही बंद करती हूँ, अपना ध्यान रख लो सब, बहुत बारिश हो रही है,
तो बारिश में बीमार मत हो जाओ, मैंने पहले भी बोला है। पानी अच्छे से पी लो, अच्छे से खा लो पी लो, तो अच्छे ठीक ठीक रहोगे, फिर कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो अभी मैं ब्लॉग इधर ही एंड करती हूँ। कल फिर से एक नए दिन से नए सिरे से शुरुआत करूँगी और कल नया एक तरह से ब्लॉग लेके आऊँगी। आप मेरा ज़रूर देखो ब्लॉग, सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करो, प्लीज़ 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 मेरे 100 तो कर दो एटलीस्ट, ताकि मैं अपने हस्बैंड को पार्टी दे सकूँ 100 पे। उनको मैंने प्रॉमिस किया है कि जब मेरे 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मैं उनको पार्टी दूँगी। तो इसलिए आप मेरा जल्दी से 100 कर दो, ताकि मैं उनको पार्टी दे सकूँ। वो वेट कर रहे हैं कब तू मेरे को पार्टी देगी, कब तेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए। तो प्लीज़ मेरा जल्दी से 100 सब्सक्राइबर कर दो, तो मैं इनको पार्टी दे सकती हूँ जल्दी से। चलो ठीक है, अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, राधे कृष्ण की जय।